में हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। इसमें प्रेडिक्शन तो भैया सही होने वाला है क्योंकि ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की बढ़िया आने वाली है। चौथे दिन की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आपको बता दूं, साथ ही कुछ चीजें और बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा यकीन हो जाए। एनीवेज ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 80% आ रही है। फर्स्ट डे की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की करीबन करीबन 40% थी और 80% ऑक्यूपेंसी है। फर्स्ट डे कितना कमाई की थी इस फिल्म में? 20 करोड़। तो आप सोच सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो कहां से कहां तक कलेक्शन जा सकते हैं। एनीवेज मैं यहां पे कुछ रिव्यूज वापस एक बार पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन हो सके, आपको थोड़ा अच्छा लगे और आपको समझ में आए कि यह फिल्म कितनी बढ़िया है। सबसे पहली बात बताओ तो फैमिली ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था और मुझे यकीन था फैमिली ऑडियंस को फिल्म पसंद आएगी। आदर्श ने 5 स्टार दिया था, कहा था 1 वर्ड रिव्यू ब्लॉकबस्टर, और कोमल नाहटा ने भी इसे ब्लॉकबस्टर कहा था। एट एट कंसेप्ट लेवल इटसेल्फ इट्स अ ब्लॉकबस्टर। कोमल नाहटा ने बोले इस तरह कंसेप्ट सोचना ही बड़ी बात है और ये ब्लॉकबस्टर है। कोई मैंने कहा था शंकर ब्लोज योर माइंड एंड मूव्स योर हार्ट, 4 स्टार दिया था। किसने? कोई मोइने भी। और यहाँ पर बॉलीवुड हंगामा ने दिया था कि 2.0 से सिनेमेटिक मार्वल विच हैज द स्टाइल एज वेल एज द सब्सटेंस, यानी स्टाइल भी है सब्सटेंस भी है, और 4.5 स्टार दिया था। और हिंदुस्तान टाइम्स ने 3.5 स्टार दिया था, कहा था रजनीकांत अक्षय कुमार फिल्म इज स्मार्टर देन स्मार्टफोन, फोन से भी सेलफोन जो हमारा होता है उससे भी स्मार्टर है। और यहाँ पर और किसने रिव्यू दिया, ठीक है, वीओन WION करके एक आई थिंक बहुत बड़ी एजेंसी हो गया, आई थिंक उसने दिया कि VFX इज द रियल हीरो इन द रजनीकांत अक्षय कुमार स्टार, ठीक है, VFX इस फिल्म का रियल हीरो है। और बॉलीवुड लाइफ ने दिया था 3.5 स्टार के साथ, 2.0 इज अ लैंडमार्क फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा। जी बिल्कुल, 2.0 एक लैंडमार्क फिल्म है, जिसने नहीं देखी भैया आप मिस करोगे। और मेरी बजाय माने तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को 3D में देखें, और फैमिली अगर आपकी है तो फैमिली के साथ 3D में देखें, और बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और इस फिल्म में लॉजिक्स अगर ढूंढने जा रहे हो तो आपको लॉजिक ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्टोरी का जो कोर थीम है वो अच्छा लगेगा, और वो फिल्म आप देख के निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ चलो पैसे वसूल हुए हैं, आपको कुछ अलग कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइस भी है टिकट का वो हिसाब से रखा है, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे रखा है, ये नहीं रखा गया 3D में शूट हुई ये है वो तो हम बढ़ा के, ऐसा नहीं है। तो दिस फिल्म इज अ गुड वन एंड द ऑक्यूपेंसी ऑफ संडे 80% द मॉर्निंग शो इन हिंदी सर्किट इज इनाफ टू टेल यू कि ये फिल्म कमाल होने वाली है आज, और इस फिल्म को अब हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है, खास करके हिंदी वर्जन में कहा जाए 70-80 करोड़ का इसके राइट्स भी के हैं हिंदी के, और ये 140-150 करोड़ कमाएगी तो ये हिट हो जाएगी, हिट टैग मिल जाए तो हिट से ज्यादा ही जाएगी भाई। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।